हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टडी विद मौज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, डे विद नंदू, क्लास 4, ईवीएस सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। नंदू वेक्स अप एंड ओपन हिज आईज फॉर अ फ्यू सेकेंड। ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। मतलब कि नंदू सुबह उठा, उसने अपनी आँख खोली। कुछ समय के लिए उसे ऐसा लगने लगा कि वो कहाँ पर है। इट सीम टू हीम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स। मतलब कि वो अपने आजू बाजू चारों ओर देखने लगा तो बहुत ही घना सा उसे जंगल दिखा। वो जंगल में था। He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. मतलब उसने अपनी आँखें घुमाई और देखा तो वहाँ पर उसे अपनी मॉम दिखी और वो बहुत ही खुश हो गया। The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. मतलब कि जो बड़ा सा घना जंगल था वो सोच रहा था, इमेजिन कर रहा था, और वो वही एक्चुअली मतलब वो वहाँ पे पहुँच गया। द सन वॉज ओवर हेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। मतलब कि जो सूर्य था वो सर के ऊपर आ गया था और बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगी थी। नानीमा ट्रम्पेट मेड अ लाउड साउंड। नानीमा इज़ द ओल्डेस्ट दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट। नानीमा मतलब कि नंदू के मॉम की मॉम, जो आपकी मम्मी की मॉम है उसे हम नानी माँ कहते हैं। सो नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट। मतलब जो नानी माँ थी वो हाथियों के झुंड में सबसे ओल्ड हाथीनी थी। तो स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल। द अदर फीमेल एलिफेंट सो हर एंड स्टार्ट टू फॉलो हर। मतलब कि जब नानी माँ ने एक बड़ा सा जोर से आवाज़ की, फिर वो आगे चलने लगी और उसके पीछे जो सारी फीमेल एलिफेंट का झुंड था वो उसे फॉलो करने लगा। नंदू भी उनके साथ जंगल की ओर जा रहा था। When they reach the jungle, the members of the herd start separating out। मतलब कि जब वो जंगल में पहुंच गए तो जो झुंड के जो मेंबर्स थे वो अपने अपने सेपरेट हो गए। मतलब वो दो लोग यहाँ पर चले गए, दो लोग वहाँ पर चले गए, ये तरह से वो चले गए। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। मतलब जिसको जो खाना पसंद है, जो पत्ते पेड़ पौधे पसंद हो वो खाने के लिए अपने अपने जगह से सेपरेट, मतलब अलग हो गए ग्रुप झुंड से। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव्ड टूवर्ड्स द रिवर। मतलब उनका खाना खाने के बाद वो रिवर के पास यानी कि नदियों के पास गए। तो बेबी एलिफेंट इन्जॉय प्लेइंग इन द वाटर। मतलब जो छोटे हाथी थे उन्हें पानी में खेलना बहुत ही पसंद था। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। जो मदर एलिफेंट थी वो रिवर बैंक पर ही बैठे थे। Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilogram of leaves and twigs in one day? मतलब क्या आप जानते हैं कि जो एक एडल्ट यानी जो सशक्त हाथी होता है वो दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा सकता है। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच। एलिफेंट यानी हाथी जो होते हैं वो बहुत ही कम आराम करते हैं। स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे। मतलब वो सिर्फ 2 से 4 आवर्स ही दिन में सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। जो हाथी होते हैं उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। जो कीचड़ होता है वो उनकी स्किन को ठंडा रखता है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक अ फैन। उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो पंखे की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट फ्लैप्स दिस टू कीप देमसेल्फ कूल। द एलिफेंट
खुद को ठंडा रखने की कोशिश करते हुए। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड बट ही वेट 200 kilograms। वॉट इज योर वेट? मतलब कि नंदू जो अभी छोटा हाथी है उसका जो वज़न है वो 200 किलोग्राम है, तो आपका वज़न कितना है? तो अभी आप 4th standard में है तो आपका वज़न अराउंड आप 10 साल के होगे तो आपका वज़न 25 किलोग्राम के आसपास होगा। सो 25 किलोग्राम, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट? अभी 200 हम डिवाइड 25 से करेंगे तो आंसर आएगा 8। मीन्स 25 into 8, मतलब 8 चिल्ड्रंस का वेट अकेले नंदू के बराबर होगा। नेक्स्ट वन, फन एंड गेम्स। नंदू स्वे हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग इच अदर टेल। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम, वॉट इफ दे फॉल ऑन मी, आई एम स्टिल स्मॉल। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। मतलब कि नंदू ने देखा कि उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स वो पानी में खेल रहे थे, वो सोच रहा था कि अगर मैं उनके पास जाऊँगा तो वो भी मुझे पानी में खींच लेंगे, और वो सोच रहा था कि नहीं अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, तो उसकी मॉम के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वॉटर। फिर अम्मा ने उसकी मॉम ने नंदू को पानी में धक्का मार दिया। एज इफ शी वे टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। नंदू लव टू प्ले इन द वॉटर। मतलब कि नंदू की मॉम ने उसे पानी में धक्का मार दिया और वो उससे ऐसा कहना चाहती हो कि जा और पानी में जाके खेलो। नंदू लव टू प्ले इन द वॉटर। नंदू लव टू प्ले इन द वॉटर, मतलब जो नंदू था उसे पानी में खेलना बहुत ही पसंद था। कजिन वे ऑलरेडी देयर जस्ट एज ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। मतलब कि जैसे भी वो पानी में उसके कजिन के पास खेलने गए, कजिन ने उसके सर पर ज़ोर से एक वाटर फाउंटेन यानी कि वाटर का फवारा उसके सर पर मारा, जैसा कि आप इस पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हो। ही गोट वेट, ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम। मतलब कि यह सोचकर उसने सोचा कि नंदू ने बहुत ही खुशी से वो गेम ज्वाइन कर लिया। बिफोर द सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। मतलब कि सूरज ढलने से पहले जो झुंड था हाथियों का वो जंगल की तरफ जाने लगा। बाय देन नंदू वॉज वेरी ट्राइड, ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फॉन्ट लेग्स एंड फील अस्लीप एज ही ड्रंक हर मिल्क। मतलब कि जंगल की ओर जाते वक्त नंदू बहुत ही थक चुका था और वो अपनी मॉम के पैरों के पास मॉम का दूध पी के सो गया। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। अ हर्ड हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल देर आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड, देन दे लिव वेयर हर्ड एंड मूव अराउंड एलोन। नंदू विल ऑल्सो लिव इज हर्ड वेन ही इज दैट ओल्ड। मतलब कि जो हाथियों का झुंड होता है वो मेनली फीमेल्स हाथियों का होता है, फीमेल्स एलिफेंट्स का होता है, और जो झुंड में सबसे पुरानी जो हाथीनी होती है वो झुंड की मुखिया कहलाती है, लीडर कहलाती है, और जो हर्ड में कम से कम 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती है और उसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो उनके झुंड में
14 से 15 साल तक ही रहते हैं। उसके बाद वो अपना एक अलग झुंड बना लेते हैं और चले अलग से रहने लगते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 की एज में आ जाएगा तो वो भी ये झुंड छोड़कर अपना ही अलग घूमने लग जाएगा। लाइक सम अदर एनिमल ऑल्सो लिव टुगेदर ग्रुप्स, दिस एनिमल ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड्स। मतलब कि और कई जो प्राणियाँ जानवर होंगे वो भी ऐसे अलग अलग झुंड में रहते होंगे और उन्हें ही झुंड कहते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं उन्हें ही झुंड कहते हैं। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजली मूव अराउंड टूगेदर सर्चिंग फॉर फूड। मतलब जो प्राणी होते हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं वो मोस्टली जो वो लोग फूड सर्चिंग यानी कि खाना ढूंढने के लिए वो झुंड में रहते हैं, क्योंकि झुंड में उन्हें बहुत ही सिक्योर फील होता है और उनको बहुत ही सिक्योर फील करते हैं, इसलिए वो झुंड में साथ में रहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन आंसर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये आपके लिए पार्ट वन था। तो सो टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।